जी हाँ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो हम आप सभी के लिए हरियाणा की 25 फटाफट खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, हरियाणा की ताजा खबरें हरियाणा के मुख्य समाचार के वीडियो में। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी शिकायत है, वीडियो तो आप सभी लोग देख लेते हैं पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हैं ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, सबसे पहले जान लेते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 2064 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमितों का कुल आंकड़ा 176,146 पर पहुंच गया है। वहीं राहत की बात यह है कि हरियाणा में 1507 कोरोना को मौत देकर घर भी लौटे हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 159,643 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 23 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 1859 पर पहुंच गया है। और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरियाणा में एक्टिव केसेस की बात करें कोरोना की कुल 14,644 है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, कमजोर वर्गों को पुलिस भर्ती की उम्र में 5 साल की छूट। जी हाँ, आपको बता दें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सरकार ने दी है बड़ी राहत। सीएम ने सदन में की है घोषणा, विधायक राम कुमार गौतम ने पूछा था सवाल। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पुलिस भर्ती में इन्हें आयु में 5 साल की छूट मिलेगी, इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। नारनौल से विधायक जसपा विधायक राम कुमार गौतम ने मानसून सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन प्रश्नकाल में इसे लेकर सवाल पूछा था, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में 5 साल की छूट देने का कोई प्रावधान सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जी हाँ, इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें हरियाणा में निजी सेक्टर में हरियाणवी को 75% आरक्षण के लिए हरियाणा विधानसभा में बिल पेश। आपको बता दें हरियाणा विधानसभा में हरियाणवी को निजी सेक्टर में नौकरियों में 75% आरक्षण देने का बिल पेश कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह बिल पेश किया है। 50,000 मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर यह कानून लागू होगा। बिल के अनुसार आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने पर भी प्रावधान होगा। कानून निजी कंपनियों फर्म ट्रस्ट आदि में लागू होगा। जी हां, अगली बड़ी खबर है विधानसभा सत्र को लेकर बड़ी खबर है। अब है बोले 32 शहरों में 30,000 रजिस्ट्रियां गलत हुई हैं। दुष्यंत का जवाब, एक नहीं 3 साल की करा रहे हैं जांच। विधानसभा सत्र के पहले दिन में सदन में खूब हंगामा हुआ है। विपक्ष ने रजिस्ट्री घोटाले को लेकर ओवरलोडिंग और केंद्रीय कृषि कानूनों पर सरकार को घेरा। रजिस्ट्री घोटाले पर चाचा अभय चौटाला और भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला में तीखे तीर चले। इनेलो विधायक अभय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आरोप लगाया कि प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियां हुई हैं। जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है सांसों पर इमरजेंसी। पूरे हरियाणा की हवा दूषित हुई है। फतेहाबाद में AQI 552 पर 2 दिन में 133 जगह जले फसल अवशेष। आपको बता दें प्रदेश भर में प्रदूषण ने पूरे हरियाणा की हवा खराब कर चुकी है। वहीं अब खुले में सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होने लगी है। प्रदेश में प्रदूषण से पूरे हरियाणा की हवा खराब हो चुकी है। अब खुले में सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगी है। गुरुवार को फतेहाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 552 दर्ज किया गया। यह प्रदूषण का बेहद गंभीर व इमरजेंसी स्तर है। 9 जिलों में यह 400 के ऊपर गंभीर स्तर पर पहुंचा। 8 जिलों में यह 300 से ऊपर रहा है। जी हां, अगली बड़ी खबर है प्रॉपर्टी खरीद पर बढ़ा लोगों का रुझान। अक्टूबर में 59,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां, 97 अरब रुपए का ट्रांजेक्शन। पिछले साल से 51 करोड़ रुपए अधिक राजस्व आया। आपको बता दें कोरोना महामारी की वजह से कमजोर पड़ी प्रदेश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीरे धीरे तेजी पकड़ रही है। जमीनों की खरीद फरोख्त भी बढ़ी है। सितंबर में 31,931 रजिस्ट्रियां हुई हैं। अक्टूबर में यह बढ़कर 59,023 तक पहुंच गई है। रजिस्ट्रियों और इनसे जुड़े 26 अन्य कामों से सितंबर में 377 करोड़ और अक्टूबर में 547 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिला है। यानी 2 महीने में कुल 925 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें दीपावली के लिए गाइडलाइन जारी। दीपावली के दिन केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति, अन्य दिनों रहेगा प्रतिबंध। जिला में 14 नवंबर दिवाली के दिन से पहले व बाद में पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिवाली के दिन भी केवल 2 घंटे रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है, जिसमें कम प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले या ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर है कोरोना को लेकर बड़ी खबर है। की गई है बड़ी कार्रवाई। कोरोना महामारी के दौरान मास्क नहीं लगाने पर गुड़गांव में 73,267 लोगों पर लगाया जुर्माना। आपको बता दें गुड़गांव में लगातार बढ़ते कोरोना पेशेंट पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने लोगों से सख्ती निपटना शुरू कर दिया है।
लॉकडाउन से लेकर अब तक गुड़गांव में 73,267 लोगों के चालान कर उनसे 500 रुपए प्रति चालान वसूल किए गए हैं, जिससे पुलिस अब तक 3.66 करोड़ रुपए वसूल कर चुकी है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर है जबरन धर्मांतरण शादी से पहले या बाद 1966 से अब तक के सभी मामलों की होगी जांच। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा बनने के बाद से लेकर अब तक प्रदेश में शादी से पहले या बाद हुए जबरन धर्मांतरण के सभी मामलों की जांच होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने धर्मांतरण को गंभीरता से लेते हुए सभी मामलों का खाका तैयार करने के आदेश पुलिस विभाग को दिए हैं। श्री विज ने कहा है, जबरन धर्मांतरण का मामला काफी गंभीर होता जा रहा है, इसलिए इसे ऊपर कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया है। जी, अगली बड़ी खबर है भारत बंद का पंजाब हरियाणा में व्यापक असर। सड़कों पर उतरे किसान, 44 ट्रेनें रद्द, 34 के मार्ग बदले। किसानों के भारत बंद का असर पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। गुरदासपुर के बटाला में किसानों ने एसएसपी कार्यालय के सामने धरना दिया है। यहां किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नवा शहर और जालंधर में भी किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे हैं। रोपड़ में किसानों ने चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया है। जी हां बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा की 25 फटाफट खबरें कैसी लगी। खबरें अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करके पहली बार चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।